नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। आप लोग भी अपने मोबाइल पर पैटर्न लॉक, स्क्रीन लॉक या फेस लॉक लगाकर ये समझते होंगे कि आपने अपने मोबाइल को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है और इसे अपने दोस्तों के साथ जो इसी तरह के लॉक लगाकर समझते हैं कि उनके मोबाइल सुरक्षित हैं उनके साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटी तक पहुँचाइए। आज कैथल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर एक निजी कंपनी के मोबाइल स्टोर पर एक व्यक्ति एक मोबाइल लेकर आया और उसने उस स्टोर के कर्मचारियों से उस मोबाइल के लॉक को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उन कर्मचारियों को यह पता लगा, उनको शक हुआ कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो उसने उससे सवाल जवाब करने शुरू किए, लेकिन वो व्यक्ति वो सवाल जवाब सुनकर यह भांप गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और वो मोबाइल वो यहीं पर छोड़ गया है। हम वो मोबाइल भी दिखा रहे हैं आपको अपने टीवी स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यह वॉलपेपर जो लगा हुआ है इससे इस जो मोबाइल के असली जो मालिक है उसको पहचानिए, ये मोबाइल उस तक पहुंचना चाहिए क्योंकि इस मोबाइल में लॉक लगा हुआ है। इसके कॉन्टैक्ट्स और साथ में कहां कहां पर कॉल्स की गई हैं, क्या तस्वीरें हैं, वो अभी खुल नहीं रही हैं, तो इसके मालिक का पता नहीं लग पा रहा है। आपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये मोबाइल किसी भी व्यक्ति का हो तो ढांड रोड कैथल में यहां आप इस मोबाइल को कलेक्ट कर सकते हैं जियो के स्टोर से। आइए बात करते हैं जियो स्टोर के कर्मचारियों से जिन्होंने वक्त रहते इस चोरी की घटना को या इस आपत्तिजनक घटना को पकड़ा और साथ में उस जो मोबाइल धारक है, जो मोबाइल का असली मालिक है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये मोबाइल जिस किसी का भी है वो उस तक पहुंच जाए। आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या पूरा मामला है। बंदा आया मेरे पास, छोटा लड़का था, वो बोला कि मेरे को इसका लॉक तोड़ो और वो मेरे ऊपर ही फ़ोन फेंक के भाग गया यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये कस्टमर का फ़ोन है, किसी का भी हो, वो ये फ़ोन ले जाए जियो स्टोर कैथल से ताकि उसका फ़ोन उसके पास पहुँच जाए, क्योंकि आजकल बहुत गरीबमारी हो रही है, बंदे के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी हो रही है, तो अपना फ़ोन यहाँ से। तो क्या मोबाइल में कोई ऐसा इनबिल्ट फीचर है क्या, क्योंकि आम जनता को नहीं पता होता कि मोबाइल को कैसे ट्रैक करें और पुलिस के पास जाने से भी लोग बचते हैं कि चलो मोबाइल है, गुम हो गया, क्या जाना पुलिस के पास। लेकिन क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे कि गुम हुआ मोबाइल वो ट्रैक कर सकें, IMEI नंबर वगैरह कोई ऐसा सिस्टम? क्योंकि कभी भी कोई भी फ़ोन लेते हैं उसका पक्का बिल अपना दुकान से खरीदें और उस पक्के बिल को अपने पास रखें ताकि इन फ्यूचर उसका फ़ोन गुम हो जाए या कहीं चोरी हो जाए, उसको हम उसका FIR करवा के और IMEI नंबर को ट्रैक करवा सके तो इन फ्यूचर उसका फ़ोन मिल जाएगा। तो सर क्या सिस्टम है, मान लीजिए किसी ने सिम बदल लिया, किसी चोर ने, लॉक नहीं लगा हुआ, तो क्या IMEI नंबर से ट्रैक हो जाएगा, कोई और सिम उसमें डाला जाएगा? हाँ जी सर, हमारा जो साइबर है जो हरियाणा पुलिस का, वो ट्रैक कर देगा इसको, तुरंत ही पता लग जाए, समय रहता ही उनका फ़ोन मिल जाएगा। जी सर, तो सर, उसके लिए उनको उसकी क्या नाम है, पर्चा दर्ज करवाना पड़ेगा, FIR दर्ज करवानी पड़ेगी और जिसके नाम से वो फ़ोन है उसके नाम से ही पर्चा दर्ज होएगा और वो बिल लेके जाना पड़ेगा, IMEI नंबर डलेगा, तब जाके ट्रैक होएगा वो। जी, तो जियो स्टोर के मेहनती और ईमानदार कर्मचारियों का हम बहुत ही अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि कहने को ये बेशक एक छोटी सी बात हो, लेकिन किसी के लिए भी एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल या महंगा मोबाइल शायद उसके लिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। हम आप लोगों से भी अपील करते हैं कि उस व्यक्ति का मोबाइल जिसका डाटा या कॉन्टैक्ट्स या कुछ भी इस पर्सनल इसमें है, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं इस मोबाइल को और इस पर लगे हुए वॉलपेपर को, तो अगर ये आपके किसी नोन का है तो प्लीज़ जियो स्टोर ढांड रोड कैथल से इस मोबाइल को कलेक्ट कर लें, यहाँ पर मौजूद है। ये थी हमारी खास पेशकश, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ।